वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं WPL की पॉइंट्स टेबल के बारे में, जो आप लोग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने लास्ट मैच देखा होगा जो आप लोगों को गुजरात वर्सेज देखा है दिल्ली के बीच में देखने को मिला था, जहाँ पे दिखा है दिल्ली ने बहुत ज़्यादा अच्छी शानदार जीत दर्ज करी। वहाँ पे दिखा है चार मैचेस में उनकी तीन जीत हो चुकी है। देखा जाए पॉइंट्स टेबल के सबसे टॉप पे वो पहुँच गए, वहीं पे उनका देखा जाए नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वहीं पे अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात सबसे नीचे, एक भी मैच अभी तक वो जीती नहीं है। तो वहीं पर हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स टेबल की, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल के सबसे टॉप पर कौन सी टीम है, तो वो आप लोग को देखने को मिलेगी दिल्ली कैपिटल की टीम। क्योंकि मेरे हिसाब से जो जो इन्होंने मैच जीते हैं बहुत अच्छे तरीके से जीते, और जो एक मैच वो हारे भी हैं वो भी लास्ट बॉल पे जाके हारे थे, वरना वो मैच भी ये जीते। तो मेरे हिसाब से ये टीम जाहिर सी बात है टॉप थ्री में सबसे पहले जाएगी। इनके अगर देखा जाए पोजीशन में नंबर वन पे हैं, चार मैचेस में तीन इनकी जीत है, एक इनकी हार है। वहीं पर नेट रन रेट 1.2 मतलब पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर आप लोगों को मुंबई इंडियंस की टीम देखने को मिलेगी, जिनकी दिखाए चार मैचेस में इनकी भी तीन जीत है, एक हार है। वहीं पर देखा जाए अगर इनके नेट रन रेट की बात करें तो पॉजिटिव में है, लेकिन 0.5 कुछ करके है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा नेट रन रेट है। अगर आने वाले मैचेस जीत भी जाते हैं, दो मैचेस भी ये जीतेंगे, तो मेरे हिसाब से आराम से ये देखा जाए आप लोगों को टॉप थ्री में देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें नंबर तीन पे ऐसी कौन सी टीम है, नंबर तीन पे आप लोगों को देखने को मिलेगी यूपी वॉरियर्स की टीम, जिसमें देखा है चार मैचेस में दो इनकी जीत है, दो इनकी हार है। वहीं पर देखा जाए नेट रन रेट भी इनका पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से ये तीन टीमें अच्छी खासी देखा है नेट रन रेट के साथ आप लोगों को टॉप थ्री में देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें नंबर चार पे कौन सी टीम देखने को मिलेगी, नंबर चार पे RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिनके लास्ट के दो मैचेस बहुत ज़्यादा बेकार गए हैं। और कहा जाए तो एक तरफा हारे भी हैं ये दोनों के दोनों मैचेस, जिसमें देखा जाए इनके नेट रन रेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला, जहाँ पे माइनस में इनका नेट रन रेट चला गया। वहीं पे एक भी मैच अभी देखा है लास्ट के दो मैचेस में ये जीते नहीं है। तो ये आप लोगों को नंबर चार पे देखने को मिला है, जहाँ पे चार मैचेस में दो इनकी जीत हैं, दो इनकी हार है। अगर ये आज का मैच जीते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को टॉप टू में या फिर टॉप वन में भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें पाँचवें नंबर पर कौन सी टीम है, तो जाहिर सी बात है पाँचवें नंबर पर आप लोग गुजरात जायंट्स की टीम देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल इस टीम के पास है, और मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को टॉप थ्री की टीम भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये चार मैच हार चुके हैं। अगर ये चार के चार जीतेंगे भी तो भी मेरे हिसाब से ये टॉप थ्री में जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी, क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत ज़्यादा माइनस में, और मेरे हिसाब से आने वाले चार मैच भी ये जीत नहीं पाएंगे। मुश्किल से दो या एक ही मैच ये जीतेंगे, क्योंकि सामने कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि सारे के सारे टीमें देखा जाए अब दो पॉइंट कलेक्ट करेंगी और टॉप थ्री में जाने के लिए सबसे पहले दावेदारी फेस करेंगी। तो मेरे हिसाब से ये कुछ आप लोग को पॉइंट्स टेबल देखने को मिला है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो दो टीमें आप लोगों को जाहिर सी बात है टॉप थ्री में देखने को मिलेंगी, जिसमें से मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल की वो टीमें। वहीं पर एक स्लॉट खाली रह जाता है नंबर तीन का, जहाँ पे आप लोगों को यूपी वॉरियर्स और RCB की टीम के फाइट देखने को मिलेगी, कौन सी टीम आप लोगों को नंबर तीन पे देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स टेबल है, जहाँ पे आप लोगों को नंबर वन पे दिल्ली कैपिटल की टीम, नंबर टू पे मुंबई इंडियंस की, नंबर तीन पे यूपी वॉरियर्स, नंबर चार पे RCB और नंबर पाँच पे आप लोग गुजरात जायंट्स टीम देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स टेबल है जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।